नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस में जो हमने राजनीति के मतलब फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस वाले सीरीज में हमने क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज स्टार्ट की थी, उसे कंटिन्यू करते हुए आज हमारा चौथा लेक्चर होने जा रहा है, जिसमें हम आज बात करेंगे अवधारणा पर। किस किस की अवधारणा? तो शक्ति, सत्ता, वैधता या औचित्य की जो अवधारणा है, उन अवधारणाओं के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम फोकस करने वाले हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, एक बात विशेषकर मैं आपको प्रारंभ में ही बता दूं, हो सकता है ये फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति के मूल सिद्धांत वाला ये वाला पार्ट आपके सेकेंड ईयर में भी आपको किसी किसी यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर में भी देखने को मिल सकता है और थर्ड ईयर में भी देखने को मिल सकता है। तो इसको लेकर कंफ्यूज ना हो, टॉपिक सेम है और नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग ही हमारी ये सभी सेशन चल रहे हैं। ओके, अब शुरुआत करें। कोई डाउट पढ़ते वक्त कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं, क्योंकि डाउट जब रहता है तो अध्ययन सीरियसली नहीं हो पाता है, फोकस हम पूरे फोकस नहीं हो पाते, क्योंकि बार बार हमारा मस्तिष्क जो है डाउट पर ही टिका रहता है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने सेशन की। शुरुआत करें उससे पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता दूं, विशेष करके एक जो अनाउंस है प्रज्ञान हिंदी प्लेटफॉर्म का। तो दोस्तों, यूट्यूब पर ही एक अन्य प्रज्ञान हिंदी नाम का एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया है। जो बच्चे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे निरीक्षण में, अर्थात कि वहां पर मैं आप लोग का कोच होऊंगा, मेरे अकॉर्डिंग या कहें कि मेरे गाइडेंस के अंडर आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आप कर सकते हैं, विद लेक्चर, विद नोट्स, फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन रहेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से लिंक लीजिए यूट्यूब की, प्रज्ञान हिंदी नाम से आपको वहां पर मिल जाएगी, उसे ओपन करेंगे, वहां पर आपको सभी सेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाइएगा उसकी, और वहां प्लेलिस्ट में अभी फिलहाल 3 सब्जेक्ट हम प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें संविधान, संविधान को भी हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है। वही प्राचीन इतिहास पर सेशन चल रहे हैं जिसमें हम ल्यूसेंट जीके वाली बुक को डिकोड कर रहे हैं, उसको भी आप शुरू से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमने वहां पर इथिक्स, इथिक्स को भी प्रारंभ किया है, वहां पर 3 या 4 सेशन ही मात्र हुए इथिक्स के। तो अभी तीनों सब्जेक्ट प्रारंभ से ही स्टार्ट किए गए हैं, जल्दी से जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट है उसे ज्वाइन करके आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं को एक आयाम दे सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने सेशन की, आज के सेशन की, और जान ले कि आज के सेशन में हमें क्या क्या देखना है, क्या क्या पढ़ना है जो नए छात्र हैं उनके लिए। विशेष करके टॉपिक का नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि शक्ति, शक्ति, सत्ता, वैधता और औचित्य की हम आज अवधारणा देखने वाले हैं नए छात्रों के लिए। कि लघुतरी प्रकृति के प्रश्नों पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, प्रश्नों के साथ उनके उत्तरों पर भी बात करेंगे। इससे पहले जो मैंने आप लोगों को मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाए थे उसमें सिर्फ हमने प्रश्नों पर फोकस किया था, उसके उत्तर नहीं देखे थे, लेकिन काफी आप लोगों की काफी ज्यादा कमेंट आई थी कि सर प्रश्नों के साथ हमें उत्तर भी प्रोवाइड कीजिए। तो दोस्तों, एक इसी प्रकार की एक सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है जिसमें हम पहले प्रश्न उसके बाद में उसके उत्तरों पर भी डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लघु उत्तरी प्रकृति के प्रश्नों पर डिस्कस कर रहे हैं। ये सीरीज कंप्लीट होते ही हम इसके दीर्घ उत्तरी प्रश्नों पर भी डिस्कस करना प्रारंभ कर देंगे। ओके, तो दोस्तों यहाँ प्रश्नों के साथ ही साथ में, इस सीरीज में प्रश्नों के साथ ही साथ में आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है, पूरे टॉपिक की आपको बेसिक जानकारियां भी मिलती चली जाती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ में प्रारंभ करते हैं अपना आज का सेशन। दोस्तों, ये कुछ प्रश्न है जिन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। एक प्रश्न है, वीडियो को पॉज करके भी आप इन प्रश्नों को जो है रीड कर सकते हैं, रीड करेंगे तो एक अंदर आपको पता चल जाएगा अभी कि आपको कौन कौन से प्रश्नों को पढ़ना है, किस किस प्रश्न के आपको आंसर देखना है। तो वीडियो को अभी पॉज कीजिए और 1 मिनट के लिए पॉज करके और इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए, मैं साइट में हो रहा हूं, ठीक से इन प्रश्नों को पढ़िए आप। ओके, चलिए अब दोस्तों ये एक सेकेंड स्लाइड और भी है जिसमें कुछ प्रश्न और आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के इस वाली स्लाइड में हम 20 प्रश्नों पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसको फिर से पोस्ट कीजिए और फिर से पूरे क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, पढ़ने के तुरंत बाद ही जो है आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अब तक पढ़ लिए होंगे, 200 प्रश्न पढ़ लिए होंगे। तो दोस्तों, वन बाय वन करके हम सभी प्रश्नों पर डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि शक्ति की अवधारणा। अब देखिए टॉपिक का नाम ही क्या है, अवधारणा है ना, शक्ति, सत्ता, वैधता और औचित्य।
तो इन चार विशेष प्रकार की जो टर्म है, जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्दावलियां हैं, इनकी अवधारणाओं पर हम मात्र इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि शक्ति की अवधारणा के बारे में। तो शक्ति की अवधारणा हेराल्ड लासवेल ने दी थी। शक्ति की जो अवधारणा हेराल्ड लासवेल ने जो दी है, एक मिनट का कलर चेंज करना पड़ेगा। ओके, शक्ति की जो अवधारणा है किसने दी दोस्तों? हेराल्ड लासवेल ने। तो किस प्रकार से दी है, क्या बताया है उनने, तो उसको हम यहां पर समझने वाले हैं। हेराल्ड लासवेल, एक मिनट। ओके, हेराल्ड लासवेल ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान बताया है। क्या कहा है दोस्तों इसने? शक्ति का विज्ञान। किसको? राजनीति विज्ञान को हेराल्ड ने शक्ति का विज्ञान कहा है। लासवेल के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय शक्ति की प्रक्रियाओं का अध्ययन है। किसका? शक्ति की प्रक्रियाओं का अध्ययन है। शक्ति की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में सहभागिता है। क्या कहा गया है? देखिए, इनका सीधा सा कहने का अर्थ यह है कि जो राजनीति होती है ना, वो शक्ति होती है, कुल मिलाकर के शक्ति होती है ना, कि ये जो विज्ञान है राजनीति विज्ञान, ये शक्ति का विज्ञान है। क्यों? क्योंकि राजनीति में जो महत्व रखता है वो विशेष प्रकार से शक्ति ही महत्व रखती है। क्यों? क्योंकि जो शक्तिशाली है वही निर्णय निर्माण का कार्य करती है, वही निर्णय निर्माण का कार्य करती है। शक्ति अपने आप में एक मूल्य है। क्या है? शक्ति अपने आप में एक मूल्य है, दूसरे मूल्यों की उपलब्धि का साधन भी है। क्या कहा है कि शक्ति खुद तो एक मूल्य है ही है, साथ ही साथ में अन्य साधनों को प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण मूल्य जो है वो शक्ति ही है। किसमें? राजनीति में। तो राजनीतिक संबंधों का लक्ष्य हमेशा मनुष्य के द्वारा शक्ति की खोज है। क्या कहा? कि जो राजनीतिक संबंध, मतलब कुल मिलाकर के राजनीति का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, जो लक्ष्य होता है ना, वो लक्ष्य ही होता है शक्ति की खोज करना। अरे भाई, होता है ना, इसको एक व्यवहारिक पक्ष में समझ के देखिए कि कोई व्यक्ति राजनीति में जाना चाहता है, कोई व्यक्ति राजनीति में एंटर करता है, तो पूरे राजनीति में जाने का कार्य क्या होता है? क्योंकि उसे एक प्रतिष्ठा चाहिए, शक्ति चाहिए, है ना। क्योंकि हमेशा वो एक ही ओहदे पे रहना तो पसंद नहीं करता है, एक ही ओहदे पे रहना तो पसंद नहीं करता है, वो चाहता है कि उसका स्तर राजनीति में धीरे धीरे बढ़ता चला जाए, है ना। एक मिनट दोस्तों, बोला रहा है। चलिए, मैसेज डाल दिया वैसे तो, ठीक है ना। तो राजनीति में शक्ति को प्राप्त करना, शक्तिशाली पद प्राप्त करना ही महत्वपूर्ण इच्छा होती है प्रत्येक एक राजनीतिज्ञ की, जो राजनीति में एंटर कर चुका है, राजनीति करना चाहता है ना। तो यहां पर यही कहने का प्रयास किया गया है लासवेल के द्वारा कि जो राजनीति है वो एक शक्ति का विज्ञान है, और इसमें मनुष्य के द्वारा इसका जो लक्ष्य होता है वो लक्ष्य ही होता है शक्ति की खोज करना। अंतिम लक्ष्य भी इसकी शक्ति की खोज करना ही होता है। राजनीति विज्ञान का लक्ष्य यह निर्धारित करना है कि उसका वितरण कैसे और किस आधार पर हो। इस प्रकार शक्ति राजनीति का मुख्य सार है। क्या कहा गया है? शक्ति जो है राजनीति का मुख्य सार है। तो यहां पर आप दो शब्दों में कह सकते हैं कि हेराल्ड लासवेल ने शक्ति की जो अवधारणा दी है, उस अवधारणा में लासवेल ने ये बताया है कि जो राजनीति है वो शक्ति है, अर्थात कि राजनीति शक्ति जो है वो राजनीति का ही दूसरा रूप है। इस प्रकार से राजनीति का जो सबसे प्रमुख सार है, जो मूल सार है, वो क्या है? शक्ति है। क्लियर है ना यहां तक? चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, शक्ति से आपका क्या अभिप्राय है? शक्ति का अर्थ यहां बताना है, ठीक है, उसकी परिभाषा के साथ में आइए वो भी समझ लेते हैं। मार्गेन, तो इसमें हम परिभाषा की अगर हम बात करें तो परिभाषा की बात करें दोस्तों, तो परिभाषाओं के अंतर्गत परिभाषा में हमने इसको कोड किया है मार्गेंटो के अनुसार। मार्गेंटो साहब की परिभाषा को हमने इसमें लिया है। जरा देख लेते हैं कि उन्होंने उन्होंने शक्ति को लेकर के क्या कहा है। शक्ति को लेकर, या कलर ठीक नहीं लग रहा ना, ये कैसा रहेगा? चलिए, इट्स ओके। मार्गेंटो, ओहो यार क्या हो रहा है। हाँ, मार्गेंटो साहब की हमने इसमें परिभाषा कोट की है, तो देख लेते हैं। शक्ति से अभिप्राय एक व्यक्ति द्वारा सामाजिक संबंधों में,
दूसरे व्यक्तियों के मस्तिष्कों तथा कार्यों पर नियंत्रण अथवा बल प्रयोग है। क्या कहा है, शक्ति का अर्थ क्या लिया इन्होंने, मार्गेंटो साहब ने शक्ति से क्या अभिप्राय समझा है? मार्गेंटो का कहना है कि शक्ति का अर्थ है कि एक व्यक्ति के द्वारा, क्या कहा है, एक व्यक्ति के द्वारा सामाजिक संबंधों में, मतलब समाज की विभिन्न प्रक्रियाओं में दूसरे व्यक्तियों के मस्तिष्क और कार्यों पर नियंत्रण रखना या बल का प्रयोग करना। मतलब एक व्यक्ति के द्वारा समाज के अन्य लोगों के मस्तिष्क पर और उनके कार्यों की प्रकृति पर नियंत्रण रखना या बल का प्रयोग करना ही क्या है, शक्ति है। किसने कहा ऐसा, मार्गेंटो साहब ने कहा है। क्लियर है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शक्ति की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो दो विशेषताएं फटाफट समझ लेते हैं। शक्ति विभिन्न व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों से बने समूहों के बीच संबंधों को प्रकट करती है। क्लियर है। सेकेंड है, शक्ति स्वयं में एक इकाई है किंतु प्रयोग की दृष्टि से शक्ति के दो पक्ष, वास्तविक और संभावित दो पक्ष होते हैं। क्या कहा है कि शक्ति की दो विशेषताओं की अगर बात करें तो शक्ति अलग अलग व्यक्तियों या फिर एक समूह व्यक्तियों से बने समूहों इनके बीच में संबंधों को दिखाती है, संबंधों को दर्शाती है। दूसरी विशेषता है कि शक्ति स्वयं में एक ऐसी इकाई होती है जो प्रयोग की दृष्टि से शक्ति के दो पक्ष होते हैं। दो पक्ष, एक पक्ष होता है वास्तविक और एक होता है कौन सा, संभावित पक्ष। क्लियर है, शक्ति के दो पक्षों की यहां पर बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है शक्ति का अगला प्रश्न है, शक्ति के दृश्य रूप कौन कौन से हैं। अब देखिए यहां पर दृश्य रूप की बात की है और इससे जस्ट पहले वाले प्रश्न में क्या कहा, इस देखिए दृश्य रूप, और पहले वाले में शक्ति के दो रूप बताए थे, दो पक्ष बताए थे, वास्तविक और संभावित। ठीक है ना, तो दृश्य रूप का अर्थ हुआ कि जो वास्तविक पक्ष है शक्ति का, उसके ही ये दो रूप है। तो उन रूपों के अंतर्गत बल और सत्ता, शक्ति के क्या है, शक्ति क्या है, दृश्य रूप है। इसमें बल और सत्ता क्या है, ये शक्ति के ही दो रूप है जो कि दृश्य रूप है, जो क्लियरली दिखते हैं, जो दृश्य है। ठीक है ना, नेक्स्ट है शक्ति की सीमाएं बताइए, शक्ति की कुछ सीमाएं बताइए। तो शक्ति की सीमा है इतिहास, जनसहमति और नैतिकता। क्या क्या है, इतिहास, जनसहमति और नैतिकता। जब हम शक्ति की सीमाओं की बात करें कि शक्ति कहां पर क्षीण हो जाती है, कहां पर जो है उसकी सीमा है, कितनी लिमिटेशन है, कहां पर लिमिटेशन है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों इसकी तीन सीमाएं विशेष करके है, कौन कौन सी, इतिहास है, जनसहमति है और नैतिकता है। जब इन तीन पक्षों की बात आती है तो शक्ति पर लगाम लग ही जाती है। ओके, अगला प्रश्न है, अगला है, शक्ति को विकास अंतर्निहित तत्व माना गया है। क्या शक्ति को, मतलब शक्ति को किसका अंतर्निहित तत्व माना गया है? तो शक्ति को राज्य, संप्रभुता, सरकार, कानून आदि में शक्ति को प्रमुख अंतर्निहित तत्व माना गया है। तो कहने का अर्थ यह है कि शक्ति को राज्य का, संप्रभुता का, सरकार का और कानून का, इनका अंतर्निहित तत्व माना गया है। क्योंकि देखिए राज्य में भी शक्ति होती है, राज्य में भी एक इसका, राज्य का एक तत्व है, विशेष तत्व है क्या, शक्ति। संप्रभुता का भी एक विशेष तत्व है शक्ति, उसी प्रकार से सरकार और कानून का भी विशेष तत्व है शक्ति। ठीक है ना, तो शक्ति की ये प्रमुख, जो प्रमुख तत्व है वो ये चार प्रमुख, मतलब जो शक्ति, शक्ति जो है राज्य, सरकार, कानून, संप्रभुता, इनका प्रमुख अंतर्निहित तत्व है। मतलब इसके अंदर, इनके अंदर ये तत्व होता ही होता है। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न पर बात करें। नेक्स्ट है शक्ति की चार आवश्यक शर्तें लिखिए। शक्ति की चार आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है दोस्तों? शक्ति की चार आवश्यक शर्तों में प्रथम है अनुयायियों की आवश्यकता। क्या है? अनुयायियों की आवश्यकता। दूसरा है धन, युद्ध सामग्री, नागरिक सत्ता, जनसहमति आदि अन्य शक्तियों की आवश्यकता। तीसरा है औचित्य की आवश्यकता, और नेक्स्ट है निरंतर शक्ति संचयन की आवश्यकता। इस प्रकार से अगला प्रश्न है आपका, शक्ति के प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे? तो शक्ति के प्रकार में शारीरिक शक्ति, मनोवैज्ञानिक शक्ति और आर्थिक शक्ति। अगला प्रश्न है शक्ति को प्रयोग में लाने के विभिन्न तरीकों के नाम लिखिए। तो विभिन्न तरीकों के जो नाम है दोस्तों वो है शक्ति को प्रयोग लाने के चार विशेष तरीके, समझाना प्रलोभन, दंड और शक्ति। शक्ति को प्रयोग में लाने के चार प्रकार, शक्ति को प्रयोग में लाने के चार प्रकार कि शक्ति को किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है,
तो एक समझाकर, दूसरा प्रलोभन देकर, लालच देकर, दंड के भय से और शक्ति के बल से, मतलब बल के प्रयोग से। ये चार तरीके हैं शक्ति को प्रयोग में लाने के। ठीक है दोस्तों, कुछ डाटा मेरे पास, मेरे पीछे छुप जाता है मेरे सामने आने के कारण। अगर मैं सामने नहीं आऊंगा तो काम नहीं चल पाएगा, आप लोगों का भी नहीं और मेरा भी नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में इसी पीडीएफ की नोट्स आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके आप अपने नोट्स को बना सकते हैं। कुछ दोस्त हैं जो लेक्चर देखते हुए नोट्स बनाते हैं, तो उनको विशेष मेरी एक सलाह है कि लेक्चर देखते हुए नोट्स बनाने की अपेक्षा आप लोग पहले लेक्चर को अच्छे से समझिए, देखिए, उसके बाद में डिस्क्रिप्शन, जैसे लेक्चर खत्म होता है डिस्क्रिप्शन से नोट्स डाउनलोड करके और फिर अपना नोट्स बनाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जब आप पूरी तरह उसको समझ लेंगे टॉपिक को, तो नोट्स बनाना आपके लिए आसान हो जाता है ना। क्योंकि देखिए, लेक्चर देखते हुए अगर आप नोट्स बनाते हैं तो उसमें आपका माइंड डाइवर्ट होता है, लिखने की ओर डाइवर्ट होता है, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो अपने मस्तिष्क से स्लिप हो जाती है, फिसल जाती है, पूरी समझ नहीं आ पाती है। तो पूरा समझने के लिए पहले लेक्चर को पूरा देखे, उसके बाद उस समझ के आधार पर अपने इस पीडीएफ को देखते हुए अपने नोट्स क्रिएट करें। क्लियर है ना? ओके, ऐसा का ऐसा सेम टू सेम नहीं छापना, याद रखिएगा। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है शक्ति के स्रोत। क्या है शक्ति के स्रोत, मतलब शक्ति कहाँ कहाँ से आती है, शक्ति कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, शक्ति के कौन कौन से स्रोत हैं, उन स्रोतों का वर्णन करना है। तो दोस्तों इसके स्रोत हैं ज्ञान, धन। देखिए अब ये सभी स्रोत हैं जहां से हमें शक्ति प्राप्त होती है। ज्ञान से शक्ति प्राप्त होती है एग्जैक्टली, धन से, संगठन से, व्यक्तित्व से, विश्वास, बल, सत्ता, करिश्मा, विचार। करिश्मा कपूर नहीं भाई, करिश्मा मतलब कुछ अद्भुत करना, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने अभी बीए कंप्लीट किया और नेक्स्ट ईयर में यूपीएससी टॉप कर गए, तो एक करिश्मा ही हो गया ना। ठीक है, तो विचार और सामाजिक स्तर, इन सब से हमें शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए ये शक्ति के स्रोत हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है शक्ति एवं प्रभाव में दो अंतर। अब शक्ति में, शक्ति क्या है और प्रभाव क्या है, दोनों में कुछ अंतर तो होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए पहला अंतर है शक्ति क्या है, मूर्त है। क्या है दोस्तों, मूर्त है, जबकि प्रभाव अमूर्त होता है। शक्ति मूर्त होती है मतलब शक्ति दिखती है, प्रभाव नहीं दिखता है, पर प्रभाव अमूर्त होता है। वही शक्ति अप्रजातांत्रिक है। अगर आपने शक्ति का प्रयोग एक शासन के अंतर्गत किया तो वह अप्रजातांत्रिक राज्य हो जाएगा, प्रजातांत्रिक नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर आपने प्रभाव जमा कर रखा, जैसे कि आज के सभी संवैधानिक सरकारें प्रभाव जमा कर रखती है, तो प्रभाव की प्रकृति संवैधानिक हो जाएगी, अर्थात प्रजातांत्रिक हो जाएगी। क्लियर है ना। चलिए अगला प्रश्न है शक्ति तथा बल प्रयोग में दो अंतर बताइए। किसमें, शक्ति और बल के प्रयोग में। अब देखिए यहां पर भी अंतर देखने को मिलेगा आपको। पहला प्रयोग क्या है, शक्ति एक व्यापक तत्व है, वहीं बल की जब हम बात करें तो बल प्रयोग शक्ति के अधीन ही आता है ना। शक्ति एक बड़ा विषय है भाई, शक्ति एक बड़ा विषय है। जो जैसे संप्रोग, जब हम बात करते हैं शक्ति के तत्वों की, तो शक्ति जो है राज्य का एक प्रमुख तत्व है, संप्रभुता का तत्व है ना, कानून का, सरकार का, इनके तत्व है। तो ये एक बड़ी धारणा है, एक बड़ी अवधारणा है शक्ति। जब हम बल प्रयोग की बात करें तो बल प्रयोग शक्ति से ही उपजा हुआ एक शब्द है, बल प्रयोग शक्ति से ही उपजा हुआ एक शब्द है। इस कारण से बल प्रयोग शक्ति के अधीनस्थ आता है। दूसरा है दोस्तों, नेक्स्ट है शक्ति का प्रयोग अप्रत्यक्ष तथा मनोवैज्ञानिक रूप से होता है। कैसे, शक्ति का जो प्रयोग होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और मनोवैज्ञानिक रूप से होता है, जबकि बल का प्रयोग आपको वास्तविक रूप से करना होगा। क्लियर है। चलिए अगला है, अगला प्रश्न है सत्ता से आपका क्या अभिप्राय है। शक्ति वाला कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। जितने भी प्रश्न अभी तक हमने 12 प्रश्न शक्ति के संबंध में देखे हैं, अब हम डिस्कस करेंगे सत्ता से संबंधित कुछ प्रश्नों पर। क्लियर है। चलिए तो सत्ता से क्या अभिप्राय है। सत्ता वह शक्ति है जो स्वीकृत, सम्मानित, ज्ञात एवं औचित्यपूर्ण हो। क्या कहा गया है, शक्ति सत्ता वह शक्ति है जो स्वीकृत, पहले तो आप सत्ता समझ लीजिए दोस्तों, सत्ता मतलब समझ रहे हैं ना, सत्ता मतलब कि जिसका प्रभाव, जिसकी एक सत्ता, जिसका शासन है ना, जिसकी शासन व्यवस्था संचालित हो रही है, जो सत्ता में है, तो उसे हम एक उसको ही हम यहाँ पर सत्ता बोल रहे हैं। तो सत्ता जो प्रभाव में है कुल मिलाकर के,
तो सत्ता क्या है? सत्ता एक ऐसी शक्ति है जिसे लोगों ने स्वीकार किया है, लोगों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। सिर्फ सरकार से ही मतलब नहीं, सिर्फ प्रजातांत्रिक देशों से ही प्रजातांत्रिक देश या संवैधानिक देशों से ही संबंध नहीं है। किसी भी प्रकार के देश में किसी भी प्रकार की सत्ता को लेकर के हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दोस्तों जो ये सत्ता है, सत्ता तभी स्थापित हो सकती है जब लोग उसे स्वीकार कर ले। जैसे मान लीजिए कि आप जहां बैठे हुए हैं, आपने सोच लिया कि मैं इस पूरे प्रांगण का, या कहें कि पूरे इस क्षेत्र का, पूरे जिले का मैं एक राजा हूं, मैं एक महाराजा हूं। तो क्या सिर्फ आपके कहने से आप राजा बन जाएंगे? लेकिन हाँ, अगर आपके क्षेत्र के लोग अगर आपको राजा मानने लग जाए तो वास्तविक रूप से आप राजा बन जाएंगे, किंग बन जाएंगे। क्लियर है ना? तो ये डिपेंड किस पे करता? स्वीकृति पर। किसकी? समाज की स्वीकृति पर। समाज का स्वीकार करना आवश्यक है। तो यहां पर इसलिए कहा गया है कि सत्ता एक ऐसी शक्ति है जो स्वीकृत है, मतलब स्वीकार कर ली गई है। दूसरा, सम्मानित है, सम्मान के साथ उसे स्वीकार किया गया है। दूसरा, ज्ञात है, ज्ञात है मतलब कि कोई छुपा हुआ तत्व नहीं है, सबको पता है, कोई किसी से ये छुपा हुआ नहीं है, फुल ट्रांसपेरेंसी है। दूसरा, औचित्यपूर्ण है। भाई सत्ता तभी होगी ना जब उसमें औचित्य होगा, औचित्य होगा सबका भला भी हो सकता है। क्लियर है? तो अधिकार, अधिकार, अधिकार सत्ता निर्णय लेने, आदेश देने तथा उनका पालन करवाने की वह शक्ति, स्थिति या अधिकार है। क्या कहा गया? इसका अधिकार क्या है उसका, सत्ता का? तो सत्ता का जो है निर्णय लेने का अधिकार, आदेश देने का अधिकार और उन आदेशों का पालन करवाने का भी इसको अधिकार या उसके पास शक्ति होती है, जिसे अधीनस्थों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। क्लियर है ना? वो संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अधीनस्थों के द्वारा जिसका पालन आवश्यक होता है। इस क्लियर? ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, सत्ता को परिभाषित कीजिए। सत्ता का अभिप्राय आप समझ चुके हैं, अब सत्ता को एक बार परिभाषित भी कर दीजिए, जिससे कि अब मेरे भी समझ आ जाए क्लियर क्या है। तो एक परिभाषा तो बनती है, और वो एक परिभाषा किसके द्वारा दी गई होगी? तो बीच महोदय के द्वारा। किसके द्वारा? बीच महोदय के द्वारा। इन्होंने सत्ता की परिभाषा देते हुए कहा है कि दूसरों के कार्य निष्पादन को, कार्य निष्पादन का अर्थ क्या हुआ? कार्य जो हो चुका है, जो कार्य कर रहे हैं कोई दूसरे, तो दूसरों के कार्य निष्पादन को प्रभावित या निर्देशित करने का जो अधिकार होता है, वही सत्ता है। सत्ता क्या है? दूसरे लोगों के कार्य करने के तरीकों को बताना और उनसे उसी प्रकार से कार्य करवाने का जो अगर अधिकार है किसी के पास, तो वही सत्ता है। ऐसा कहा है हमारे बीच महोदय ने। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सत्ता के कौन कौन से सिद्धांत है। तो सत्ता जो है कुछ सिद्धांतों का पालन करते हुए आगे बढ़ती है, तो वो कौन कौन सिद्धांत है? उन सिद्धांतों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बीच महोदय ने ही कहा है, इन कुछ सिद्धांत बताए हैं। वो सिद्धांत है औपचारिकता सत्ता का सिद्धांत। क्या है? औपचारिक सत्ता का सिद्धांत। व्यवहारिकवादी, व्यवहारवादी सत्ता का सिद्धांत। दो सिद्धांत आपको विशेषकर याद रखने हैं, औपचारिक और व्यवहारवादी। कौन कौन से? औपचारिक और व्यवहारवादी। किसने कहा है? प्रोफेसर बीच महोदय ने। किसने? प्रोफेसर बीच ने दो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। कौन कौन से किए हैं दोस्तों? तो औपचारिक सिद्धांत और व्यवहारवादी सिद्धांत। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के कुछ प्रकार है जो बताइए। कुछ प्रकारों की बात करना है मैक्स वेबर के अनुसार, या अथवा में मैक्स वेबर के द्वारा बताया गया सत्ता की अवधारणा के तीन प्रकार। उत्तर देखिए, मैक्स वेबर ने सत्ता के कुछ प्रकार बताए हैं, वो इस प्रकार है। पहला, परंपरा तथा परंपरा अथवा जिसका प्रयोग होता रहा हो। परंपरा अथवा जिसका प्रयोग होता रहा हो, किसका? सत्ता के प्रयोग, सत्ता के, माफ करना, प्रकार। सत्ता के प्रकार किसके अनुसार? मैक्स वेबर के अनुसार। क्या कहा गया है? पहला प्रकार क्या बताया उन्होंने? परंपरा। परंपरा, परंपरा मतलब क्या भाई? जो सत्ता परंपरागत रूप से जैसी चली आ रही है, एक प्रकार तो वो होता सत्ता का, ठीक है ना, कि जो परंपरागत रूप से प्राचीन समय से चली आ रही है सत्ता, एक वो हो जाएगी। अगले की बात करें तो युक्ति युक्त कानून, युक्ति युक्त कानून। जैसे आज वर्तमान की बात कर लीजिए, तो आज वर्तमान में जो कानून बना हुआ है, ये भी तो भाई सत्ता है ना, सरकार सत्ता है ये, तो सत्ता एक युक्ति युक्त रूप से है। लेकिन
मनमाने ढंग से नहीं है, युक्ति युक्त रूप से, जैसे कानून, जैसे अधीनस्थ औचित्यपूर्ण समझता है। ठीक है, अधीनस्थ औचित्यपूर्ण समझता है, मतलब ये कि सत्ता जिसके ऊपर है, जो सत्ता के अधीन है, वो उस सत्ता को औचित्यपूर्ण समझता है, मतलब कि एक सही विकास के क्रम में सत्ता अपना कार्य कर रही है, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास का प्रकार लेते हुए अपना कार्य कर रही है, तो उसी को यहाँ पर औचित्यपूर्ण सत्ता कहा गया है। क्लियर, क्लियर है। दो चीज विशेष याद रखनी है यहाँ पर, पहला प्रकार क्या है, परंपरा, परंपरा, दूसरा है औचित्यपूर्ण, औचित्यपूर्ण इसको या फिर ऐसे कहे युक्ति युक्त कानून, तीसरा है करिश्मात्मक, करिश्मात्मक सत्ता, करिश्मात्मक सत्ता मतलब जहां पर कि मान लीजिए कोई करिश्मा हो गया, किसी ने करिश्मा कर दिया, तो जनता ने बस उसको उठाकर सत्ता पे बिठा दिया, मतलब उसको राजा बना दिया, एक करिश्मात्मक मतलब एक तरह से चमत्कार है ना। नेक्स्ट है सत्ता के प्रकार, सत्ता के प्रकार बताइए, सत्ता के प्रकार बताइए, ये तो मैक्स वेबर के अनुसार हमने बता दिए हैं तीन प्रकार, इसके अलावा सत्ता के प्रकार व्यवहार की बात करें तो व्यवहारिक रूप से सत्ता के तीन प्रकार बताए गए हैं, पहला है रेखा अधिकार सत्ता, दूसरा है स्टाफ अधिकार सत्ता, और तीसरा है क्रियात्मक अधिकार सत्ता। दोस्तों इस पे एक बात को हमेशा याद रखिएगा, इसमें जो ये तीन प्रकार हमने बताए हैं आपको, ये तीन प्रकार जो बताए हैं, रेखा, स्टाफ और क्रियात्मक, ये जो तीन सत्ता के प्रकार बताए हैं, इनको पूरे विस्तार से इसके बाद आने वाली जो क्लासेस होगी हमारी दीर्घ उत्तरी प्रकृति की क्लासेस, उसमें हम पूरे विस्तार से समझेंगे कि रेखा अधिकार सत्ता क्या होता है, स्टाफ अधिकार सत्ता क्या है, और वही क्रियात्मक अधिकार सत्ता क्या है। इन सभी टर्मों को हम पूरे विस्तार से आगे के सेशनों में समझने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इनको डिकोड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी टाइम हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी दीर्घ उत्तरी प्रकार की जो क्लासेस आती है, जो कंप्लीट सेशन आते हैं, जो फुल डिटेल सेशन आते हैं, उसमें एक टॉपिक पर जो सेशन होता है दोस्तों, वो एक ही टॉपिक पर हमें कम से कम आधे से एक घंटे का एक सेशन एक मात्र होता है, सिर्फ एक टॉपिक पर, एक टर्म पर टॉपिक जो सेशन होता है, ठीक है ना, पूरे विस्तार से पूरे डिटेल में होता है। अगर वो सेशन पूरे डिटेल अगर हम यहाँ लेने लग जाएंगे ना, तो फिर बहुत लंबा सेशन चला जाएगा, इतने 20 प्रश्न, मतलब समझ लीजिए कि एक 20 प्रश्न, मतलब कि जो हम फुल डिटेल क्लासेस लेते हैं ना, तो 10 लेक्चर का एक ही लेक्चर मान लीजिए आप इसको, ऐसा होता है। ठीक है, चलिए आगे, तीन प्रश्न और बचे हुए, उनको और हम कंप्लीट करते हुए सेशन को हम अंत तक पहुंचा देंगे। नेक्स्ट है सत्ता के स्रोत, सत्ता के स्रोत बताइए, सत्ता कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। तो फर्स्ट है औपचारिक, औपचारिक सत्ता विचारधारा, औपचारिक सत्ता विचारधारा, औपचारिक, औपचारिक, ठीक है ना। नेक्स्ट है स्वीकृत विचारधारा, कि लोगों ने स्वीकार कर लिया है। ठीक है, तीसरा है क्षमता विचारधारा, बलपूर्वक क्षमता, कि सत्ता, सत्ता स्थापित करने वाले व्यक्ति की इतनी क्षमता थी कि उसने सत्ता को स्थापित कर लिया। क्लियर है ना, तो इस प्रकार से सत्ता, हमें सत्ता के जो स्रोत बताए गए हैं वो ये तीन स्रोत बताए गए हैं, औपचारिक, औपचारिकता, औपचारिकता, स्वीकृति और क्षमता। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न है सत्ता की कोई चार विशेषताएं, सत्ता की कोई चार विशेषताएं। प्रथम, सत्ता और औचित्यपूर्ण शक्ति है, क्या है, सत्ता और औचित्यपूर्ण शक्ति, ऐसा कहिए कि सत्ता जो है एक औचित्यपूर्ण शक्ति है, सत्ता एक स्वीकृत शक्ति है, और सत्ता, सत्ताधारी अपने अधीनस्थ व्यक्तियों पर प्रभुत्व रखता है। नेक्स्ट, सत्ता हमेशा परिभाषित समिति और स्वीकृत होती है। दोस्तों सहमति होगा, ये सहमति, समिति, सहमति, चलिए सहमति होगा। तो देखिए समझिए इसको, कि सत्ता की जो चार विशेषताएं बताई गई हैं वो शॉर्ट में इस प्रकार से चार पॉइंटों के माध्यम से, सत्ता जो है औचित्यपूर्ण है, क्या है, औचित्यपूर्ण है, सत्ता एक स्वीकृत है, स्वीकृत है, दूसरा सत्ताधारी अपने अधीनस्थों पर क्या करता है, प्रभाव रखता है, प्रभुत्व रखता है, और अगला है सत्ता हमेशा परिभाषित होगी, परिभाषित होगी, जिसमें लोगों की सहमति होगी और लोगों की स्वीकृति भी होगी। क्लियर है दोस्तों, इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है सत्ता के कार्य क्या क्या हैं। तो सत्ता के कुछ कार्य हैं, जैसे आदेश देना, निर्णय लेना, और विभिन्न कार्यों पर जो है निर्णय निर्माण करते हुए क्रिया, उसका, उनका क्रियान्वयन करना, उनका समन्वय करना, संगठन के उद्देश्य, उद्देश्य प्राप्त करना, निर्देश देना और योजनाएं बनाना आदि सत्ता के कार्य होते हैं। क्लियर है,
इस प्रकार से अब हम इसके बाद में लेक्चर नंबर 5 जो चर्चा करने जाएंगे इसी फॉर्मेट में, इसी सेशन के अंतर्गत, तो वो है दोस्तों स्वतंत्रता, समानता व मानव अधिकार। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारा सेशन अभी कंटिन्यू ही चलेगा जब तक कि ये समाप्त नहीं हो जाता है। जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक ये कंटिन्यू ही रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।